खरसावां के गुंडपुर मैदान में आयोजित शहीद किसान मेले का राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया शुभारंभ। कहा, देश तब विकसित होगा जब किसान विकसित होंगे। खरसावां गोलीकांड के बीच शहीदों को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि सभा को भी किया संबोधित। गांडेय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष ने किया मंजूर। अहमद ने कहा, फिलहाल वे झामुमो में ही हैं सक्रिय। और नए वर्ष में मौसम का भी मिजाज बदला, आज देर रात बाद से कुछ इलाकों में बारिश के आसार, एक बार फिर बढ़ेगी ठंड की ठिठुरन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दूरदर्शन परिवार की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से खरसावां में आज विकसित गांव विकसित भारत थीम पर किसान समागम का आयोजन हुआ। मौके पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही साथ स्टॉलों से भी लाभान्वित हुए किसान। किसान समागम का शुभारंभ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावां के गुंडपुर मैदान में किसान समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि गांवों, कस्बों और शहरों को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम के विकसित भारत बनाने के संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुभारंभ की है, तो उस यात्रा का आज एक पड़ाव खरसावां में हुआ है, तो यहाँ से नए दीप जलाकर प्रज्वलित कर हम विकसित भारत बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम अपने गांव को हरियाली बनाएंगे। मेले में सांसद विद्युत वरण महतो और संजय सेठ ने भी अपनी बात रखी। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई हैं और किसान सम्मान निधि से किसानों को बड़ा सहारा मिला है। कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो किसान हमारे अन्नदाता है। चाहे किसान सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपए लेकर 6,000 रुपए स्वास्थ्य सहिया देखी, जल सहिया देखी, उज्ज्वला दीदी देखी और ड्रोन दीदी का भी समय आ गया है। किसानों को उनकी खेती में हरियाली लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेले में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। यहाँ कृषि क्षेत्र से जुड़े करीब 150 स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसके जरिए किसानों को लाभान्वित किया गया। लाभुक किसानों ने सरकार के इस पहल की सराहना की। हम लोग सब एफपीओ के अंदर में ही अभी काम करते हैं, किसान है और सारा चीज जो है उनका मैक्सिमम हम लोग का ऑर्गेनिक। माननीय प्रधानमंत्री का जो 10,000 एफपीओ बनाने का सपना है, उसका एक हमारा एफपीओ भी अंग है। इस मौके पर राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया, साथ ही साथ किसानों के बीच बीज का वितरण हुआ और उन्हें कृषि के नवीनतम तकनीकों से रूबरू कराते हुए उन्हें कृषि के साथ मुर्गी पालन जैसे आयामों के जरिए आमदनी बढ़ाने के तरीके भी बताए गए। खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। खरसावां गोलीकांड के वीर शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। खरसावां के शहीद पार्क में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची के सांसद संजय सेठ समेत अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसावां स्थित शहीद पार्क में शहीद बेदी और वीर शहीद केरसे मुंडा चौक के शहीद स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण कर खरसावां गोलीकांड के अमर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां आयोजित श्रद्धांजलि सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब पूरा विश्व नए साल का जश्न मनाता है, हमारा राज्य अपने अमर वीर बलिदानियों के परम बलिदान और संघर्ष को याद करता है। झारखंड में साल का प्रत्येक दिन वीर शहीदों और महान आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को समर्पित होता है। भी है, वो पिछड़ापन है, वो आपको भी बड़े पैमाने में देखने को मिलेगा। ये राज्य 2000 ईस्वी में बना और कितना झंझावत, कितने आंदोलन, कितने शहादत के बाद बना, ये बताने का आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है यहां उपस्थित सभी लोगों को झारखंड के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी है। गांडेय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक डॉ सरफराज अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए लेटर भी जारी कर दिया है। गांडेय विधायक के इस्तीफे ने झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कि ये सरकार अस्थिर है, सरकार कमजोर है, सरकार बहुत मजबूत है, सरकार अपना कार्य करती है। बाजार गर्म कयास भी लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन अगला मुख्यमंत्री झारखंड से हो सकते हैं। देखिए, कयास कुछ भी लगाया जा सकते हैं, कयास लगाने में कहीं से कोई जीएसटी लगता नहीं है। अब सरफराज जी का इस्तीफा हुआ है, किस परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया है, निजी कारणों से कारण के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया या कोई अन्य कारण है। 2024 की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो रही। और अब श्रीराम जन्मभूमि से जुड़ी खबर। श्रीराम जन्मभूमि में 22 जनवरी को श्रीराम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या से आया पूजित अक्षत से लोगों को निमंत्रण देने का कार्य शुरू हुआ। यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। रांची के चुटिया स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना कर 15 दिवसीय निमंत्रण देने के अभियान का शुभारंभ किया। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री वीरेंद्र साहू ने कहा कि पद्मश्री मुकुंद नायक को पूजित अक्षत और राम जी का चित्र भेंट कर इस अभियान को शुरू किया गया। मुकुंद नायक जी के आवास हम लोग पहुंचे हैं और आज उनको प्रथम निमंत्रण देने के लिए हमें सभी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान पद्मश्री मुकुंद नायक ने कहा कि निमंत्रण पाकर विभाव विभोर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराएगा। राम मंदिर जी का भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को, जिसका निमंत्रण आप लोग दिया है, मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि अपने भारत देश में सनातन धर्म का ही नहीं पूरे विश्व में इसका प्रसंग लहराएगा। बहुत बहुत पूजित अक्षत के जरिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगभग 5000 टोलियों में 31 लाख परिवारों तक घर घर जाकर निमंत्रण देंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु और लक्षद्वीप के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, जहाजरानी से संबंधित 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कई रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें लगभग 41 किलोमीटर लंबे सेलम मैग्रासाइट जंक्शन, ओमालूर मेटूर बांध खंड के दोहरीकरण की परियोजना शामिल है। इनके अलावा मदुरई तूतीकोरिन तक 160 किलोमीटर के रेल लाइन खंड के दोहरीकरण की परियोजना और रेल लाइन विद्युतीकरण के लिए 3 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री सड़क क्षेत्र की 5 परियोजनाएं भी देश को समर्पित करेंगे, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 81 के त्रिची कलागम खंड के 39 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 81 के कलागम मीन सुरुटी खंड के 60 किलोमीटर लंबी सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 785 के टेटीकुलम नाथम खंड की 29 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 536 के कराईकुड़ी रामनाथपुरम खंड की 80 किलोमीटर लंबी 2 लेन और राष्ट्रीय राजमार्ग 179A सेलम तिरुपुथुर वानियमबाड़ी रोड के 44 किलोमीटर लंबे खंड की 4 लेन शामिल हैं। प्रधानमंत्री कामराजगार बंदरगाह के
जनरल कार्गो बर्थ 2 को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल प्रोसेसिंग संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के अगत्ती पहुंचेंगे, जहां वे एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के कवरत्ती पहुंचेंगे, जहां वे दूरसंचार, पेयजल और ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इधर गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत अरसली उत्तरी और दक्षिणी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा गया। ग्रामीणों ने परंपरागत तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का स्वागत किया और बीडीओ की मौजूदगी में 2047 तक भारत को विकसित बनाने की शपथ ली। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड के अरसली पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीणों ने केंद्र सरकार से मिल रही योजनाओं की खुले दिल से तारीफ की और इसे जीवन में आए बदलाव की कहानी अपनी जुबानी सुनाई। इलाके की पिंकी देवी ने सुकन्या योजना से मिले लाभ को साझा किया, साथ ही लोगों को इससे जुड़ने की भी अपील की। 51 रुपया के चलते हमको 50,000 लोगों का फायदा मिलेगा, इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि दीदी आप लोग भी अपनी छोटी बच्चियों का सुकन्या में अवश्य भाग लें। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ। एक अन्य महिला लाभुक सीता देवी ने भी स्वयं सहायता समूह से मिले लाभ और जीवन में आज सकारात्मक बदलाव की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि इससे उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा और खेती के काम को आगे बढ़ाया। फिर हमको ट्रैक्टर से जुताई कड़ाई करने में बहुत ही आसानी पड़ गया। खेत अपना खुद से ही जोत लेती हूँ और फिर दूसरों को भी जोत देती हूँ। इलाके के किसान बैजनाथ राम ने भी केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि पीएम किसान ऋण योजना से उन्हें खेती को उन्नत बनाने के लिए आर्थिक सहयोग मिला, इससे उनके पैदावार में वृद्धि हुई और आर्थिक लाभ भी मिला। मैं सरकार की तरफ से 2000 साल में यानी 6000 रुपया मुझे सरकार देती है और मैं इसे अपने खेती गृहस्थी करते हुए मुझे खरीदने से कोई मिलता है। इस दौरान बीडीओ नंदजी राम ने भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें लोगों में जोश है और लोग इसको बहुत ही जोश से ले रहे हैं। चीजों को हम लोग सफल करवा रहे हैं और भारत देश को 2047 तक अप्रशासनिक काल तक विकसित देश बनाने के लिए सब संकल्पित है। इस दौरान गरीबों के बीच कंबल वितरण भी किया गया और एलईडी पर भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। देश भर में खेती किसानी के काम को और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। रांची में इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों को प्रशिक्षित कर इससे अवगत कराया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने भी खेती किसानी में ड्रोन की उपयोगिता को जाना और आगे चलकर इसे प्रयोग में लाने का संकल्प व्यक्त किया। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना कारगर साबित होती दिख रही है। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता को रांची की महिला किसान भी जानने और समझने लगी है। जिले के और मांझी प्रखंड की महिला किसान ममता देवी बताती हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल से कम समय और कम मानव संसाधन का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक खेतों में उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। पेड़ में लाद के दवा देते हैं तो दूसरे आदमी पर निर्भर रहते हैं कि ताकि वो आए तो दवा दे। ड्रोन रहेगा तो अपने से ही डाल के बैटरी द्वारा हम ड्रोन से दवा दे सकते हैं। लेडीज भी योजना ने कहीं न कहीं महिला किसानों के आत्मविश्वास को और अधिक बल दिया है। इलाके की दुलारी देवी और कुंती देवी जैसी किसानों का कहना है कि महिला किसानों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। ड्रोन के उपयोग से वह अब और अधिक बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी कर सकती हैं। छिड़काते हैं तो कम मतलब ज्यादा टाइम लगता है। अब ड्रोन कैमरा से कराएंगे कुछ छिड़काव करेंगे तो कम समय लगेगा। अब हम लोग ड्रोन देखे तो हम लोग को खुश लग गया, हम उसी से हम लोग देंगे। ड्रोन दीदी योजना से होने वाले फायदे को देखकर और जानकर किसान प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खेतीबाड़ी में पहले से अच्छा प्रदर्शन कर रही महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की यह एक अनूठी पहल है। अभी चला, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, इसमें समय का भी बचत होता है और महिला लोग को सुविधा भी होगा, जल्दी करेंगे और केवल आत्मविश्वास भी बढ़ेगा उन लोगों को। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को मानदेय के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त भी हो सकेगी। रांची से करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। धनबाद के नए वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दन और हजारीबाग के नए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने साल के पहले दिन आज पदभार ग्रहण किया। दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने अपराध पर नियंत्रण करना अपनी प्राथमिकता बताया।
यहाँ भी प्रायोरिटी रहता है लो एंड ऑर्डर को ठीक करना। हमारा भी यहाँ धनबाद का लो एंड ऑर्डर ठीक रखना मेरा प्रायोरिटी रहेगा। साथ में यहाँ पे विगत कुछ सालों से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एक्सटॉर्शन का कॉलेज बहुत आती है, उसको काबू करने का कोशिश मेरी और मेरा टीम के सहयोग के साथ हम करने का कोशिश करेंगे। जो भी या हजारीबाग जिले में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विधि सम्मत लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को कायम रखते हुए विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। भारतीय जनतंत्र मोर्चा लोकसभा के साथ और विधानसभा की 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने यह घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने झारखंड को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जनहित के सभी मामलों को प्रमुखता से उठाया है। रांची के बहु बाजार स्थित बिशप कंपाउंड में 15 आदिवासी परिवारों के घर के रास्ते को रोकने पर उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। लोगों ने कहा कि घर से निकलने वाले रास्ते को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित नीलम्बर पीताम्बर पार्क में रंग कर्मियों की संस्था ठहाका मिलन का 11वां ठहाका मिलन समारोह सम्पन्न हुआ। इस मौके पर 50 से भी अधिक रंग कर्मियों ने मिलजुल कर ठहाके लगाए और 2023 को ठहाकों के साथ विदाई दी। धनबाद के महुदा थाना स्थित ग्रामीण जलापूर्ति योजना के नवनिर्मित फिल्टर प्लांट में दो बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना के दौरान अपराधी संवेदक को गोली से उड़ा देने की धमकी दे रहे थे। धनबाद स्थित बरवाड्डा थाना क्षेत्र के कोयलांचल सिटी में रहने वाले बीसीसीएल के सेवानिवृत्त मैनेजर डीएन शर्मा और डी पाठक के बंद घरों से हजारों रुपए की संपत्ति चोरी हो गई। इस संबंध में भुक्तभोगी ने बताया कि वे बाहर गए हुए थे। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह शराब दुकान, बिरसा नगर के हुरलुंग और गोविंदपुर के जोजोबेड़ा स्थित शराब दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया और नकद समेत महंगी शराब की चोरी कर ली। आगे बढ़ेंगे। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन, बीएसएसआर यूनियन और जमशेदपुर ब्लड बैंक द्वारा श्रेया अधर को बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र में लगातार क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करने के लिए आज सम्मानित किया गया। एक पत्रकार की बेटी श्रेया अधर ने झारखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। इस अवसर पर प्रतीक फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अरिजीत चटर्जी ने कहा कि मौके पर मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। नेशनल और रीजनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग में काफी झारखंड का नाम रोशन किया, उसको सम्मानित करते हुए और सबसे बड़ा हम लोगों के लिए खुशी का बात था कि जमशेदपुर में बहुत वर्षों बाद जो नव निर्वाचित प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के जो पदाधिकारी थे आज उन सभी को एक जगह इकट्ठा करते हुए आज उन सभी को बारी बारी हम लोग। और अब रुक कर रहे मौसम का। राजधानी रांची समेत राज्यभर में आज सवेरे कोहरा छाया रहा लेकिन धीरे धीरे आसमान साफ हुआ और धूप भी खिली नजर आई। हवा चलने से थोड़ी ठंड का एहसास भी बढ़ता नजर आया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज देर रात बाद से कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि अगले दो दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा और फिर ठंड में बढ़ोतरी के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 22.5 और न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25.9 और न्यूनतम 14 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 22.2 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलको स्थित भुवनेश्वरी मंदिर एवं कृष्ण मंदिर में आज नववर्ष पर सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मौके पर कृष्ण मंदिर के अध्यक्ष डीके सुकुमार ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक भीड़ है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को प्रभु श्रीराम जी का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव अयोध्या में किया जाएगा। उस दिन यहां भी मंदिरों को दीपों से सजाया जाएगा और प्रभु श्रीराम मंदिर के प्रारूप के अनुसार यहां बैनर लगाए जाएंगे। इधर रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर समेत तमाम शिवालयों और मंदिरों में सुबह से ही नववर्ष के आगमन पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पहाड़ी मंदिर में भोले बाबा के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। साथ ही विभिन्न पिकनिक स्पॉटों पर भी लोग परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती करते नजर आए। अरे वो मत करो, 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 अरे वो मत कर
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खरसावां के गुंडपुर मैदान में आयोजित शहीद किसान मेले का राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया शुभारंभ। कहा, देश तब विकसित होगा जब किसान विकसित होंगे। खरसावां गोलीकांड के वीर शहीदों को राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि सभा को भी किया संबोधित। गांडेय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष ने किया मंजूर। अहमद ने कहा, फिलहाल वे झामुमो में ही है सक्रिय। और नए वर्ष में मौसम का भी मिजाज बदला, आज देर रात बाद से कुछ इलाकों में बारिश के आसार, एक बार फिर बढ़ेगी ठंड की ठिठुरन।